ये कहानी है बबलू जीजा की, जिसे अपनी हर साली से हंसी मजाक करने की आदत थी। आप तो ये जानते ही होंगे कि हंसी मजाक का एक दायरा होता है और वो दायरे में ही अच्छी लगती है, लेकिन बबलू मजाक करते करते दायरा ही खत्म कर देता था। ऐसे एक दिन बबलू के घर उसकी खुद की साली अनीता आती है। अनीता बहुत ही शर्मीली थी। बबलू अनीता के पास जाता है और उससे हंसी मजाक करते हुए कहता है, ओ मेरी शर्मीली साली, बार बार मेहमानों की तरह आना जाना ठीक नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी दीदी की तरह हमारी घरवाली बन जाइए। आपकी दीदी के साथ आपको भी खुश रखूंगा। ओ, क्या है ना, दिन में आपके साथ, रात में आपकी दीदी के साथ, और कहते हैं ना साली आदि घरवाली। जीजा जी, सोच समझ के बोला कीजिए, मुझे आपके से गंदे मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, आप हमारी साली हैं, अब हमारा इतना अधिकार नहीं है क्या आपके ऊपर? तभी वहाँ पर अनीता की बड़ी बहन पल्लवी आ जाती है। पल्लवी अपने पति को डांटते हुए कहती है, ओ बेशरम आदमी, कम से कम ये तो देख लिया करो कि अनीता तुमसे कितनी छोटी है। हाँ जानती हूँ कि रिश्ते में वो तुम्हारी साली लगती है, पर कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया करो, बच्ची है अभी वो। अरे मेरी धर्म पत्नी, अरे जीजा के लिए उनकी सालियाँ बच्ची थोड़ी होती है। हाँ बस ये है कि फल को पकाने में थोड़ा समय लगता है, और फल चाहे कच्चा हो या पक्का, उसे तो हर कोई खाना चाहता है ना। दीदी आप रहने ही दो, ये बिल्कुल बेशरम है, इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी बेशर्मी हर जगह दिखाने जाते हैं। खैर मैं ये कहने आई थी, इस हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है और मेरा एग्जाम सेंटर आपके घर से 300 किलोमीटर दूर पे है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके घर ही रह लूँ। हाँ क्यों नहीं, ये तेरा ही घर है, और हाँ पूछने की जरूरत नहीं है, तेरा जब मन करे तब तू यहाँ आ जा सकती है, और जितना मन करे उतना रुक सकती है। थोड़ी देर में अनीता अपने कमरे में चली जाती है। अनीता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। बबलू अनीता के बगल में जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बबलू कहता है, वैसे अनीता जी आपके हाथ बहुत नाजुक है, आखिरकार हमारी साली किसी फूल से कम है क्या? जीजा जी मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ, आपको पता है ना इस हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, तो प्लीज मुझे ना परेशान मत करो, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है, आपको जो मजा जीजा से मिलेगा वो पढ़ाई में भला कहाँ है। कितने बेशरम हो जीजा जी आप, आपको शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे कम से कम ये तो देख लिया करो कि सामने वाला उस मजाक में कंफर्टेबल है या नहीं, यही सब कुछ अगर आपकी बहन के साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला, मेरी बहन है वो, ये सब मजाक में बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब खुद की बहन के साथ आपको ये सब बर्दाश्त नहीं है, तो आप दूसरी की बहन के साथ क्यों करते हो? आपको क्या लगता है कि मुझे मालूम नहीं है आपकी इस हंसी मजाक का आखिर लेवल क्या है? वैसे गुस्से में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो, कभी कभी तो दिल करता है तुम्हारे गुलाबी गुलाबी गालों को चूम लूं, पर हमारी साली है ही इतनी गुस्से वाली। बबलू की बात सुनकर अनीता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप वहाँ से उठकर अपनी बहन के पास चली जाती है। ऐसी बबलू बार बार उल्टे सीधे हंसी मजाक से अनीता को परेशान करता रहता। ऐसे एक दिन बबलू की बहन काजल बबलू से कहती है, भैया मैं अपनी सहेली के वहाँ जा रही हूँ, पहली बार मेरी सहेली घर पे आई अपने मायके में, और वो भी अपने पति के साथ, और वो बहुत जिद कर रही है कि घर राजा मुझसे मिलने, तो मैं उसके घर जा रही हूँ तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, लेट मत होना। काजल अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहीं पल्लवी भी मार्केट से सब्जी लाने के लिए चली जाती है। अनीता घर पर अकेली थी। बबलू मौका देखकर अनीता के पास जाता है और बोलता है, अरे अनीता एक कप चाय बना दो, वो क्या है तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है, इसी बहाने तुम्हारे हाथ की चाय भी पी लूंगा। अनीता अपनी पढ़ाई छोड़कर किचन में जाती है और अपने जीजा के लिए चाय बनाने लगती है। तभी बबलू पीछे से आकर अनीता को पकड़ लेता है। अनीता गुस्से में बबलू को धक्का मारती है और एक खींच कर तमाचा लगाते हुए कहती है, आइंदा मुझसे ऐसे घटिया मजाक करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी, मैं ये सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी। अनीता तुम तो नाराज हो गई, अरे हम तो तुम्हारे जीजा हैं, जीजा होने के नाते हम तुमसे मजाक तो कर ही सकते हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है वो ठीक नहीं किया। ये कैसे भूल जाते हो आप कि मैं एक लड़की हूँ, मैं जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ वो आपको समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप है कि ये सब छोड़ते ही नहीं है, अपनी बेशर्मी की हरकतें दिखाते ही रहते हैं। तभी बबलू के फोन पर उसकी छोटी बहन काजल का फोन आता है।
काजल की बात सुनते ही बबलू भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर अनिता घबरा जाती है। थोड़ी देर में पल्लवी घर पर आ जाती है। अनिता अपनी बहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद पल्लवी अपने पति बबलू को फोन करती है। क्या हुआ, तुम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर में घर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में बबलू अपनी बहन काजल को लेकर घर आ जाता है। काजल बुरी तरीके से रो रही थी। तभी पल्लवी और अनिता दोनों काजल से कहते हैं, क्या बात है काजल, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी भाभी मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरी सहेली है ना, उसका जो पति है ना, बहुत ही बेकार है भाभी। वो साली साली बोल बोल के मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा है, बहुत ही बेशरम है भाभी। काजल मुझे एक बार उस आदमी का एड्रेस बता। अरे उसने तेरे साथ ऐसे कैसे किया? तेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक लड़की को परेशान करने का नतीजा क्या होता है उसे अच्छे से समझ आएगा। भैया वो कह रहा था कि मैं उसके साली हूँ, और वो ये कह रहा है कि साली जीजा का रिश्ता सबसे अलग है, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने मेरे साथ ये हरकतें की है। अरे जीजा है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेगा? कैसे भूल सकता है कि साली किसी की बेटी है और वही साली किसी की बहन भी है, और किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार उसको किसने दिया है? बबलू की बातें सुनने के बाद काजल बोलती है, भैया ये सब कुछ तो अनीता दीदी पे भी लागू होता है ना। अनीता दीदी भी किसी की बेटी है और किसी की बहन है, और आप भी उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें करते हो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी साली है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसी बेशर्म वाली हरकतें करेंगे। क्या हुआ जीजा जी, जब आपकी बहन के ऊपर पड़ा तो आपको बहुत बुरा लगा? अरे हंसी मजाक भी ना एक लिमिट में अच्छी लगती है, लेकिन आज आपने वो लिमिट भी खत्म कर दी है। ये सब कुछ ना मैंने, दीदी और काजल ने मिलकर किया है, ताकि आपकी अकल ठिकाने आ सके। सही कह रही है अनीता, खुद की बहन की इज्जत इज्जत और दूसरों की बहन की इज्जत कुछ भी नहीं। ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम अनीता से कैसे मजाक करते हो। क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को, कि तुम एक बेशरम जीजा हो? अरे जीजा बनना है तो अच्छा जीजा बनो, एक दोस्त बनो। मुझे माफ कर दो, भले ही तुमने मेरी आंखें खोलने के लिए ये सब किया, पर मुझे आज अपने किए पर बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है अनीता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी किसी के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं करूँगा। रहने दो जीजा जी, अब माफी मांगने का ना कोई मतलब नहीं है। दीदी मैं यहाँ से जा रही हूँ, जीजा ने जो भी किया है वो मैं चाह के भी भूल नहीं सकती हूँ। भले ही मैं इन्हें माफ कर दूँ, लेकिन अब ये मेरे दिल से उतर चुके हैं। अनीता हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अनीता ने भले ही बबलू को अपनी मन से माफ कर दिया हो, लेकिन बबलू की इस हरकत से बबलू ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, और वहीं बबलू को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद अनीता बबलू को सुधारने के लिए एक मौका देती है। ऐसी बबलू दोबारा ऐसी घटिया हरकत अनीता के साथ नहीं दोहराता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।